गाड़ी में पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, सड़क पर भीड़ ने आगजनी की है, जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। मतगाड़ी गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ पर छोटे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस का फायरिंग से इनकार हालांकि किया जा रहा है। पथराव में एसपी अभियान चलाया जाए, एसपी अभियान राहुल देव बड़ाइच घायल हुए हैं, बडरिया बीडीओ अमित कुमार भी घायल बताए जा रहे हैं, रंका अनुमंडल के एलआरडीसी प्रवेश कुमार कुशवाहा भी पथराव में घायल हुए हैं। भीड़ को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। अब तक प्रतिमा विसर्जित नहीं हुई है, विसर्जन के रूट को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसके बाद आसपास के कई गांव के लोग मतगाड़ी पहुंचे और फिर पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी बीच हालात बेकाबू हो गए और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, पुलिस को खदेड़ना पड़ा है और सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया, बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिलहाल गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दो तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर में पथराव और पुलिस के एक्शन में देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर जब पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, भीड़ ने उनकी गाड़ी को पलट दिया, उस दौरान की दूसरी तस्वीर है। पूजा प्रतिमा माँ का रखा हुआ है, आप लोग अपने अपने एरिया में सब लोग विसर्जन कर रहे हैं, तो गोदरमाना और कहाँ का रंका गढ़वा से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? कोई नहीं, हम क्या जानते हैं, ऐसा कौन सा श्रद्धालु और भी जगह विसर्जन हुआ है रंका में तो नहीं आया? चैलेंज कर रहे हैं तो फिर हम लोग भी दिखाते हैं, उनका आप लोग जो चाहिएगा सो कर लीजिएगा सर, उसमें हम कोई दूंगा किसी को, हम निकालने भी घर से नहीं देंगे। हम जान रहे हैं प्रशासन के पास इतना शक्ति है कि जो चाहे सो कर, लेकिन जो उचित हो वही कीजिए। हम लोग तो पब्लिक के कारण थोड़ा सा हो जाता है बैकफुट पे, ये तो हम लोग इतना है कि हम लोग अभी भी काफी है पूरे भीड़ के लिए। हम तो देख रहे थे कि सबके हाथ आ रहे थे कि हटिए हटिए पीछे चलिए, लेकिन कुछ गोदरमाना के कुछ रमकंडा के कुछ बगल के लोग उसने मुंह को बदल दिया। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। दोनों ही तस्वीरें पुलिस की गाड़ी की हैं, जिनमें तोड़फोड़ की गई है और मूर्ति विसर्जन को लेकर पूरा विवाद, उसके रूट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। अब तक मूर्ति विसर्जन नहीं की गई है, गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। गढ़वा में ये पूरा बवाल है, अब तक विसर्जन जुलूस के रूट को लेकर विवाद चल रहा है, रूट बदलने को लेकर तैयार नहीं है लोग, पुलिस के समझाने पर भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अब तक क्या हुआ है, रूट बदलने को लोग तैयार नहीं हैं और उसी को लेकर यह पूरा विवाद है, पुलिस के समझाने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब लोग जो है वो पुलिस के समझाने पर भी नहीं मान रहे, कई गांव के लोग मतगाड़ी में इकट्ठा हो गए, जुट गए हैं, भीड़ हिंसक हुई है, तो पुलिस को पथराव भी करना पड़ा है, पुलिस पर भी पथराव किया गया, हालांकि पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज किया है, पथराव में कई अधिकारी घायल हुए हैं। अब तक क्या हुआ है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस पर भी निशाना बनाया गया है। मतगाड़ी गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है, बस और कार की टक्कर हुई है, हादसे में एक की मौत हो गई है, करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पटकी जंगल NH-75 पर यह पूरा हादसा हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बस और कार की टक्कर हुई, हादसे में एक की मौत हो गई है, करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पटकी जंगल NH-75 का यह पूरा मामला है, तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट की छत पर आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। छत पर मोबाइल टावर और उसके जेनसेट रूप में ये आग लगी है, इस वजह से आज आग की जो लपटें थी वो दूर तक दिखाई देने लगी। अपार्टमेंट में मौजूद लोगों ने आग पर अपने स्तर पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उठते हुए देखे तो बच्चा लोग हल्ला किए, उसके बाद आकर के यहाँ जो
उपलब्ध हम लोगों का सोसाइटी में जो सुरक्षा उपकरण अग्निशमन वगैरह जो था उससे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो गया बालू पानी वगैरह से। इसी बीच में फायर ब्रिगेड वाले भी पहुँच गए तो सारा कुछ कंट्रोल हो गया। दुर्गावाड़ी मंदिर के पीछे स्टेट लाइब्रेरी के बगल में एक अपार्टमेंट है, उसके छत के ऊपर आग लगने की सूचना हम लोग को मिली थी। यहाँ पे पहुँचे स्पॉट में और देखे कि हम लोग का इस अपार्टमेंट का सबसे टॉप फ्लोर में आग लगा हुआ है। तो यह भी देखे कि यहाँ पे जैसे ही लोगों को इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आग लगने की सूचना मिली तो उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, पानी डाला और जो भी फायर ब्रिगेड सामान बालू वगैरह से उन लोगों ने काफ़ी हद तक आग को काबू कर लिया था। तब तक हमारे भी जो है फायर ब्रिगेड आ गई और जो भी है अभी कार्रवाई चल रही है और लगभग आग को काबू कर लिया गया है। और चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जेएमएम प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने हमला बोलते हुए कहा है कि चंपाई सोरेन का सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जो लोग इतना दिन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति किया और यहाँ का जो सोच है, भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, इसको उस माहौल में जो व्यक्ति रह चुका है वो उस व्यक्ति वहाँ सेट नहीं करेगा। क्या सेट कर रहे हैं, मजबूरी। हम तो लगता है बीजेपी लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। हेमलाल मुर्मू जी की खुद इच्छा हुई थी बीजेपी में आने की, वो बीजेपी में आए। हम लोगों ने 5-5 चुनाव उनको लड़ाया, एक भी चुनाव वो जीत नहीं पाए। तो उसके बाद वो फिर से जेएमएम चले गए। सरकार की धमक थी ऐसी कि वो सत्ता के बिना रह नहीं पाते थे बहुत दिन, तो वापस चले गए। तो जिन्होंने 5 चुनाव उनको लड़ाया वो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने के पहले। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक कल है। पहले कार्यकारिणी की समिति की बैठक होगी, बैठक में एजेंडे तय किए जाएंगे, फिर केंद्रीय समिति की बैठक पे मुहर लगेगी। सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे, जेएमएम के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पर जेएमएम केंद्रीय समिति की कल बैठक होनी है। और वर्तमान में अभी विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में हम कितनी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और पुनः जो हम पिछले विधानसभा में जो हमारा स्कोर रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें और इजाफा हम कैसे कर पाएंगे।